हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर। प्रतापनगर में सुंदरलाल नाम का एक दर्जी अपनी पत्नी शांति और बेटी संध्या के साथ रहता था। संध्या का रंग सांवला था, इसलिए उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा था। इसी कारण सुंदरलाल और शांति परेशान थे। सुंदरलाल, मैंने कुर्ता पजामा सिलने दिया था, तैयार हो गया क्या? बस एक पक्की सिलाई करनी बाकी है रामलाल जी। अच्छा, फिर मैं लड़का भेजूंगा, उसी के हाथ दे देना। शाम को शादी में जाना है, इसलिए थोड़ी देर में करके दे दो। और संध्या के लिए कोई रिश्ता मिला या नहीं? कहाँ मिला रामलाल जी, बहुत जगह बोल रखा है, बाकी मैंने तो भगवान पर छोड़ रखा है, वही मेरी बेटी का अच्छा भविष्य तय करेंगे। बात तो ठीक है, पर तुम्हारी बेटी का रंग सांवला है, इतनी आसानी से लड़के सांवले रंग रूप की लड़की के लिए मानते नहीं है। इसलिए जब तुमने मुझे कहा था, मैंने भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। अच्छा, चलता हूँ, कपड़े भिजवा देना है। सुंदरलाल देखता है रामलाल की बातें संध्या सुन चुकी है, इसलिए उसने बात बदलनी चाही। संध्या बेटी, तू रामलाल की बातों का बुरा नहीं मानना, वो तो बस। बापू, मुझे पता है मेरे कारण आपको कितना सुनना पड़ता है, सब कितनी बातें बनाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। ना बेटिया ना, ऐसा कभी मत सोचना, तू तो हमारी जिंदगी से बढ़कर हमें प्यारी है। मैं भी आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ बापू। अच्छा लाओ, कुछ कपड़े मैं सिल देती हूँ, आप थक गए होंगे। संध्या का उदास चेहरा देखकर सुंदरलाल उस समय चुप हो जाता है। संध्या कपड़े सिलने लगती है। संध्या भी सुंदरलाल की तरह बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी। एक दिन उस राज्य के राजकुमार का जन्मदिन था, जिसमें पूरे नगर को न्योता दिया गया था। सुनो सुनो नगरवासियों, ध्यान से सुनो, राजकुमार वीर सिंह के जन्मदिन की खुशी में पूरे नगर को दावत का न्योता दिया जा रहा है। राजा भानु प्रताप सिंह और रानी सुनंदा अपने बेटे वीर सिंह का 25वां जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। अरे वाह, राजकुमार वीर सिंह के जन्मदिन की दावत सचमुच देखने वाली होगी, मैं तो बहुत सुंदर तैयार होकर जाऊंगी। मैं भी, पर हम राजकुमार को क्या उपहार देंगे, ऐसे खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे हम क्या देंगे, हमारे माँ बापू भी तो जा रहे हैं, वही देंगे, हम क्यों चिंता करें। पूरे नगर के लोग राजकुमार के जन्मदिन में जाने की तैयारी कर रहे थे। सुनो जी, मैं सोच रही थी, हम दोनों तो जन्मदिन की दावत में जा नहीं रहे, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, पर किसी ना किसी को तो जाना चाहिए, इसलिए संध्या को उसकी सहेलियों के साथ भेज देते हैं, नहीं तो महाराज और महारानी को बुरा लगेगा। ठीक है, ये बात सही रहेगी संध्या बेटिया, तो राजकुमार वीर प्रताप जी के जन्मदिन की दावत के लिए चले जाना। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं रेखा और सुनैना के साथ चली जाऊंगी। संध्या राजकुमार के जन्मदिन के लिए जाने के लिए तैयार तो हो गई, पर वो यही सोच रही थी कि आखिर वो राजकुमार के लिए उपहार में क्या ले जाए। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई, राजकुमार के जन्मदिन के लिए एक सुंदर सी पोशाक तैयार करके ले जाती हूँ, उनको पसंद आएगी। संध्या राजकुमार के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक तैयार करती है और सबके साथ राजमहल पहुँचती है। बहुत संख्या में लोग जन्मदिन की दावत में पहुँचे थे, उन सबके बीच संध्या घबरा रही थी। राजकुमार को तो इतने ढेरों उपहार मिल रहे हैं, इतने सारे उपहार में मेरे द्वारा सिली हुई मामूली सी पोशाक क्या राजकुमार को पसंद आएगी? राजकुमार को अपने हाथ से देने की हिम्मत तो मेरे में है नहीं, चुपचाप उनके कक्ष में रख देती हूँ। संध्या पोशाक को राजकुमार के कक्ष में रख कर घर आ जाती है। संध्या बेटिया, तू राजकुमार से बिना मिले ही आ गई, उन्हें पता कैसे चलेगा कि तूने उपहार में उन्हें वो पोशाक दी है? कोई बात नहीं बापू, वैसे भी अब तक राजकुमार इतने सारे उपहारों के बीच मेरी दी हुई पोशाक भूल भी चुके होंगे। संध्या जैसा सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं था। राजकुमार जब कमरे में पहुंचा तो उसने वो पोशाक वहां रखी देखी। अरे, ये उपहार मुझे किसने दिया है? ये तो बहुत सुंदर पोशाक है, अद्भुत। मुझे जहां तक याद है, सबने मुझे उपहार दिए, मैंने सबका चेहरा देखा, पर ये उपहार तो मेरे हाथ में किसी ने नहीं दिया। कैसे पता चलेगा कि ये उपहार किसने दिया है और मेरे हाथों में दिए बिना ही यहाँ मेरे कक्ष में रख दिया? राजकुमार महाराज महारानी सेनापति दास दासी सबसे पूछता है, पर किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था।
राजकुमार हैरान रह जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। किसी ने अगर इतना सुंदर उपहार देना भी था तो उसको सामने से देता, चोरी छुपे कौन रख गया। राजकुमार वापस अपने कक्ष में आता है तभी उसकी नजर अपने द्वार पर अटके एक दुपट्टे के टुकड़े पर जाती है। राजकुमार महल की सभी दासियों से दुपट्टे के टुकड़े के बारे में पूछता है, पर किसी भी दासी के पास ऐसा दुपट्टा नहीं था। राजकुमार को यकीन हो जाता है कि ये टुकड़ा यकीनन उसी लड़की के दुपट्टे का है जो उसके कमरे में वो पोशाक रख कर गई है। राजकुमार इस बात का पता लगाने के लिए पूरे नगर में सैनिकों को भेजता है। वो पोशाक किसने दी उसके लिए सब मना कर देते हैं। भाई हमने तो बहुत महंगा उपहार दिया था, राजकुमार को चांदी की प्याली दी थी, हमने ये उपहार में पोशाक नहीं दी। उस समय सुंदरलाल, उसकी पत्नी और बेटी संध्या जरूरी काम से नगर से बाहर गए हुए थे, इसलिए उनसे पता करना रह जाता है। पर सैनिक ये बात राजकुमार को नहीं बताते। राजकुमार बहुत परेशान था। अब तो उसके पास एक ही रास्ता था, इस दुपट्टे के टुकड़े की असलियत जानने का। माँ पिताजी, अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं अपना स्वयंवर रखना चाहता हूँ ताकि उस स्वयंवर में सभी लड़कियाँ आए और वही पोशाक पहने जो उन्होंने मेरे जन्मदिन के उत्सव में पहनी थी। मुझे पता चल जाएगा कि ये दुपट्टे का टुकड़ा किसका है, फिर मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा, इससे मुझे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है पुत्र, अब तुम इस योग्य हो चुके हो कि तुम अपना जीवन साथी चुन सको, जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र, हम आज ही नगर में तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा करवा देते हैं। राजकुमार उस दुपट्टे के टुकड़े के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता, वो तो चुपचाप उस बारे में जानना चाहता था जिसके दुपट्टे का ये टुकड़ा था। नगर में घोषणा कर दी जाती है और ये बात सुंदरलाल के कानों तक भी पहुँचती है। संध्या बेटी, तुम्हें भी स्वयंवर में जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं संध्या बेटी, नगर की सभी लड़कियां स्वयंवर के लिए जा रही हैं। अगर तुम नहीं गई तो महाराज क्रोधित हो जाएंगे, उन्होंने नगर की सभी युवा कन्याओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया है। पर मेरा वहां जाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं तो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ, राजकुमार तो मेरी ओर देखेंगे तक नहीं, फिर मैं वहां जाकर क्या करूंगी। बेटी ये तो भाग्य की बात है, अगर तुम्हारे भाग्य में राज सुख लिखा है तो उसे कोई नहीं छीन सकता, और यदि नहीं लिखा तो तुम अपना कर्तव्य निभाकर लौट आना। नगर की सभी लड़कियां उसी पोशाक में राजमहल पहुंचती हैं जो उन्होंने राजकुमार के जन्मदिन के उत्सव में पहनी थी। राजकुमार की नजरें तो उस लड़की को ढूंढ रही थी जिसके दुपट्टे का टुकड़ा अभी भी राजकुमार के हाथ में था। राजकुमार ने आज वही पोशाक पहनी थी जो संध्या ने उसे उपहार में दी थी। इनमें से तो कोई भी लड़की वो नहीं है, आखिर ये किसके दुपट्टे का टुकड़ा है, कहीं मेरी ये योजना विफल ना हो जाए। राजकुमार अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी संध्या महल में प्रवेश करती है। संध्या ये देखकर हैरान रह जाती है कि राजकुमार ने वही पोशाक पहनी है जो उसने सिलकर दी थी। राजकुमार ने मेरी दी हुई पोशाक पहनी है, इसका मतलब राजकुमार को मेरे द्वारा सिली हुई पोशाक पसंद आई, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बापू और माँ अगर ये सुनेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। संध्या अभी ये सब देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी राजकुमार वीर प्रताप की नजर उसकी पोशाक पर जाती है। यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी। आप सब जानना चाहते हैं मैंने ये स्वयंवर क्यों रखा है? क्योंकि मैं अपना जीवन साथी चुनना चाहता था। जिस लड़की की मुझे तलाश थी आज वो मेरे सामने खड़ी है। मैं उसका नाम तो नहीं जानता, पर आज जो पोशाक मैंने पहनी हुई है उसी लड़की ने मुझे उपहार में दी थी। क्या वो लड़की मेरी जीवन संगिनी बनना चाहती है? सब लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देख रही थी क्योंकि उनमें से किसी ने भी ये पोशाक राजकुमार को नहीं दी थी। संध्या तो सच जानती थी, वो हैरान रह जाती है। राजकुमार उसकी ओर बढ़ता है और उसका हाथ थाम लेता है। राजकुमार मैं आपके लायक नहीं हूँ, आपको तो मेरे से भी सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी। संध्या प्रेम तो दिल से होता है, मैं तो उसी पल ही तुम्हें अपना दिल दे बैठा था जब मैंने इस पोशाक को देखा। वो तो तुम्हारे दुपट्टे का टुकड़ा दरवाजे में अटका हुआ था, तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, वरना मैं तो सच्चाई जान ही नहीं पाता। और मेरी नजरों से देखो, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। संध्या अपने दुपट्टे की ओर देखती है जो किनारे से फटा हुआ था। वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ हैरान रह जाती हैं। राजकुमार वीर प्रताप की बातें सुनकर संध्या की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। उसके पश्चात सुंदरलाल और शांति को दरबार में बुलाया जाता है। फिर शुभ मुहूर्त में संध्या और राजकुमार वीर प्रताप का विवाह सम्पन्न होता है।
आज संध्या के जीवन में दुनिया की सारी खुशियां थी। अंजू अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ बिजनौर में रहती थी। अंजू को बचपन से ही सिलाई कढ़ाई करने का बहुत शौक था। गृह विज्ञान की परीक्षा में जब 10वीं कक्षा में उसके सिलाई में सबसे ज्यादा नंबर आए तो वो अपनी माँ सुलोचना से बोली, माँ ये देखो मेरे गृह विज्ञान की परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। मैम बोल रही थी मैंने सबसे सुंदर फ्रॉक सिली है। अरे वाह, ये फ्रॉक तो सचमुच बहुत ही सुंदर है। स्कूल की पढ़ाई के बाद अंजू एक दिन अपनी माँ से बोली, माँ मैं कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी सीखना चाहती हूँ। मेरी सहेली प्रज्ञा के घर के पास एक बुटीक है जो 800 रुपए महीने में सिलाई सिखाते हैं। 6 महीने का कोर्स है, करने दो ना माँ। पर बिटिया तेरे पिताजी नहीं मानेंगे, वो यही बोलेंगे कि तेरी और अमित की स्कूल और कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा है, मना कर देंगे। माँ पैसे मैं जोड़ लूंगी, तुम बस सीखने का हाँ बोल दो प्लीज। ठीक है चल सीख ले। अंजू अपनी पॉकेट मनी से बचा बचा कर पैसे जोड़ लेती थी। उसने अपने लिए सब खर्च बंद कर दिए। पैसे जोड़ कर बुटीक से 6 महीने की सिलाई का कोर्स सीखा। अब अंजू घर पर भी कपड़े सिलसिल कर तैयार करती थी। ये ले अमित, तेरे लिए नई कमीज सिली है, कैसी लगी? दीदी ये बहुत सुंदर शर्ट है। वाओ दीदी आप तो दर्जी बन गई हो। कुछ समय बाद सौरभ नाम के लड़के का अंजू के लिए रिश्ता आता है। सौरभ अपनी माँ प्रेमा के साथ रहता था और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। अंजू की शादी सौरभ के साथ हो जाती है और उसका शादी के बाद एक प्यारा सा बेटा सुमित होता है। एक दिन, अंजू बेटा तुम दोबारा पेट से हो, ज्यादा काम मत किया करो, अपना ध्यान रखो। माँ जी आज पानी नहीं आया इसलिए बाजू वाली नीमा आंटी से पानी भर कर लाई हूँ। अंजू माँ सही कह रही है, अपना ख्याल रखा करो। और वैसे भी मैं 3-4 दिनों के लिए ऑफिस के काम से मुंबई जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। मेरा जाना जरूरी ना होता तो मैं तुम्हारे पास ही रहता। सुनो जी मेरी डिलीवरी का भी वक्त नजदीक है और आप। कोई बात नहीं अंजू, माँ है तुम्हारी देखभाल के लिए। पापा आप मेरे लिए मुंबई से क्या लाओगे? मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लाऊंगा, ठीक है? सौरभ ऑफिस के काम से फ्लाइट से मुंबई चला जाता है। रास्ते में सौरभ का प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें सौरभ के साथ बहुत से लोग मारे जाते हैं। उधर सुमित, पहले अपने स्कूल का होमवर्क करो, बाद में टीवी देखना। मम्मी बस थोड़ी देर कार्टून देखने दो ना। अभी अभी खबर मिली है मुंबई जाने वाला प्लेन रास्ते में ही क्रैश हो गया है जिसमें बहुत से यात्री मारे गए हैं। प्लेन क्रैश में सौरभ का देहांत हो जाता है। अंजू की तो मानो जिंदगी पर दुखों का पहाड़ टूट गया। बूढ़ी सास, छोटा बेटा और एक वो जिसने अभी तक दुनिया में जन्म ही नहीं लिया। ये क्या हो गया भगवान, मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सौरभ को कुछ नहीं हो सकता। माँ जी सौरभ हम सबको छोड़कर चले गए माँ जी। अंजू सुमित के हाथों सौरभ का अंतिम संस्कार करती है। कुछ दिनों बाद अंजू की एक बेटी पैदा होती है। अब अंजू पर 3 जिम्मेदारियाँ थी। माँ मैं क्या करूँ, सौरभ के जाने के बाद मैं टूट गई हूँ। सुमित रोज पापा पापा करता है और रोता है। अंजू मैं कुछ पैसे भिजवा दूँ अमित के हाथ? नहीं माँ, पिताजी तो वैसे ही परेशान है, घर का किराया, अमित की पढ़ाई, घर खर्च, प्लीज उन्हें कुछ मत कहो माँ। अंजू तू तो मेरी बहादुर बच्ची है ना, सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, हिम्मत रख। अंजू बहुत परेशान रहने लगी थी। पैसों की तंगी की वजह से धीरे धीरे जुड़े हुए पैसे भी अंजू के पास खत्म होने लगे थे। मायके में पहले ही पिता पर परिवार का बोझ था इसलिए अंजू ने अपनी परेशानी का बोझ डालना उचित नहीं समझा। मम्मी अब आप मुझे पहले की तरह आइसक्रीम और पिज्जा खिलाने मॉल नहीं ले जाती हो, मुझे ये दाल चावल नहीं खाने। सुमित मेरे बच्चे थोड़ा सा खा ले, मैं तुझे तेरे जन्मदिन पर तेरी पसंद का सब कुछ खिलाऊंगी, प्रॉमिस। अंजू बहू आज तुमने सुमित को झूठा दिलासा दे दिया, अब उसकी इच्छा पूरी कैसे करूँगी? अंजू दुखी हो जाती है, तभी गुड़िया रोने लगती है। माँ जी आप गुड़िया को संभालना जरा, मैं इसके लिए बाजार से दूध लेकर आती हूँ। अंजू दूध लेने जाने लगती है तभी एक आदमी आ जाता है। नमस्ते मैडम जी, मेरा नाम अविनाश है। जी नमस्ते, कहिए क्या काम है? पिछले 3 महीने से आपके फ्लैट का किराया नहीं पहुँचा है, मैंने सोचा खुद लेने आ जाता हूँ,
60,000 रुपए आपका 3 महीने का किराया है, 20,000 रुपए महीना के हिसाब से। अविनाश जी मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं किराया दे दूंगी। देखिए मैडम, मैंने पहले ही 3 महीने से कुछ नहीं बोला, अब मेरा पैसा चुकाओ और अगर इतने महंगे किराए के फ्लैट में नहीं रह सकते तो मेरा फ्लैट खाली कर दो। मेरे पास और भी किराएदार आ रहे हैं जो अच्छा किराया देने को तैयार हैं। अंजू अपना सोने का मंगलसूत्र बेचकर अविनाश के फ्लैट का किराया भरती है और फ्लैट खाली कर देती है। अंजू बच्चों को और सास को लेकर दिल्ली आ जाती है। वहाँ एक बस्ती में उसे 1500 रुपए किराए का एक कमरे का मकान मिल जाता है। माँ जी, मैं पड़ोस में लगे सरकारी नल से पानी भर कर लाती हूँ। अरे भैया, 700 रुपए की लेनी है तो ले ले, वरना अच्छी खासी सिलाई मशीन है मेरी। वो तो उम्र के साथ अब नजर कमजोर हो गई है, वरना अपनी उम्र में मैं थोड़ा बहुत उधड़ा सिल ही लेती थी। रहने दो माँ जी, मुझे नहीं लेनी, 500 से ज्यादा नहीं दूंगा, इसके जंक खाई सिलाई मशीन है। रहने दे, जा मुझे नहीं बेचनी। महिला सिलाई मशीन वापस अपने पास रखने लगती है। तभी अम्मा जी, क्या ये सिलाई मशीन आप मुझे बेच सकते हो? मैं आपको 700 रुपए दे देती हूँ। पहले तो इस गली में तुम्हें नहीं देखा, इस एरिया में नई आई हो क्या? जी अम्मा जी, मेरा नाम अंजू है, पहले मेरठ रहते थे, 2 दिन पहले ही दिल्ली आई हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे मेरा नाम सुशीला है, तुम ये मशीन खरीदना चाहती हो? ठीक है, पर तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। सुशीला अंजू के पड़ोस में ही रहती थी। अंजू अपने दुख को दबाए घूम रही थी। सुशीला के पूछने पर अंजू रो पड़ी और उसके दुख का सारा दबाव सुशीला के आगे फूट पड़ा। तुम रो मत अंजू, एक काम करो, तुम ये सिलाई मशीन ले लो और अपना दर्जी का काम शुरू करो। मैं तो वैसे भी ये मशीन बेच ही रही थी, अब तुम्हारे काम आ जाए इससे बड़ी क्या बात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी। सुशीला बहुत ही नेक दिल की महिला थी। अंजू ने सारी बात अपनी सास को बताई। 2 दिन बाद, अरे अंजू बिटिया कहाँ हो? अरे अम्मा जी आप? माँ जी, ये सुशीला अम्मा है। अंजू, ये मेरी भाभी रहने आई हुई है। साड़ी के साथ का ब्लाउज पेटीकोट शाम तक कोई दर्जी सिल कर दे ही नहीं रहा, रात को इन्हें शादी में जाना है। क्या तुम ये ब्लाउज पेटीकोट सिल दोगी शाम तक? जी अम्मा जी, मैं अभी दोपहर तक ही आपका ये काम कर देती हूँ, आप फिटिंग भी चेक कर लेना। अंजू दोपहर तक ब्लाउज पेटीकोट सिलकर तैयार कर देती है। अम्मा जी, ये आप एक बार फिटिंग चेक करवा लीजिए अपनी भाभी से। अंजू, भाभी को तुम्हारे द्वारा सिले गए ब्लाउज पेटीकोट की फिटिंग बिल्कुल सही आई है, वो तो बहुत खुश है फिटिंग देखकर। अच्छा ये बता, मेरी दर्जी बहू की पहली सिलाई के कितने पैसे हुए? अम्मा जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, आपसे पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ? नहीं अंजू बेटा, फिर भी तूने मेहनत की है। अच्छा ये 200 रुपए रख भाभी की तरफ से सिलाई दे। अंजू, सुशीला बहन वाकई में बहुत अच्छी है। धीरे धीरे सुशीला और भी मोहल्ले की औरतों को अंजू के पास लाने लगी। आस पड़ोस में सभी औरतें अब अंजू से ही कपड़े सिलवाती थी। धीरे धीरे अब अंजू के पास सिलाई का काम आने लगा। सुशीला को तो मानो भगवान ने अंजू की मदद के लिए ही भेजा था। माँ जी, भगवान की कृपा से और सुशीला जी के साथ से अब मेरी थोड़ी बहुत कमाई शुरू हो गई है, मैं सुमित को यहाँ किसी स्कूल में दाखिल करवा देती हूँ। ठीक है बहू, तुमने सौरभ के जाने के बाद इतनी मुश्किलों के बीच हम सबका ख्याल रखा, तुम बहुत ही हिम्मत वाली हो अंजू बहू। अंजू ने सुमित को फिर से स्कूल में दाखिल करवा दिया और अब अंजू सारा दिन सिलाई का काम करती और साथ ही अपनी सास और दोनों बच्चों की देखभाल भी करती। जिंदगी के संघर्षों के बीच जीना अंजू सीख चुकी थी और सौरभ के जाने के बाद अंजू ने खुद को संभाल कर परिवार को भी संभाला और अपनी मेहनत से सिलाई के काम से घर को चलाना शुरू कर दिया।